A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about a very important issue, which is an international issue, and ultimately it is related to Russia and Ukraine war. But one thing is very important in this context to discuss is India is also involved in this very talk that we are going to talk about this editorial. Actually, considering the condition of Ukraine and Russia, the four countries, rather you can say the four major countries that are in Quad means quadrilateral. Quad means there are four countries, namely India, US, Australia and Japan. They wanted to know the stance of India over Russia-Ukraine war. हिंदी में समझाते हैं, पहले आपको समझना होगा इसके हेडिंग को, तो मैं समझा देता हूँ. फर्स्ट जो वर्ड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड मीन्स QUAD, क्वाड का मतलब होता है फोर, ऐसे जैसे बाईलैटरल होता है. तो बाईलैटरल का मतलब होता है बाई मतलब दो, दो देश उसमें शामिल होते हैं, तो बाईलैटरल टॉक होता है जिसमें दो देश बात करते हैं. उस प्रकार क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ जिसमें चार देश रहते हैं. इस क्वाड जो क्वाड जिसको बोलते हैं, इसका नाम ही रखा गया है क्वाड. इसमें चार देश हैं और चार देश में इंडिया, द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. इन चारों देशों के बीच में मंथन हुआ, यानी एक क्विजीनेस का मतलब होता है किसी को चीज़ को लेकर के बेचैनी, या फिर कह सकते हो कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो मंथन करना. तो इस बार क्या हुआ कि चार देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए, मंथन किए, और उन्होंने बेचैनी जाहिर की किसके ऊपर कि इंडिया का क्या स्टांस है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या सोच है, क्या रुख है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के. यानी चार मेजर देशों के बीच में जो ये वार्तालाप हुई वो किस पे बेस्ड है, इंडिया का क्या स्टांस है, क्या रुख है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में. चलिए आगे पढ़ते हैं. लिखा हुआ है इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पिक अ साइड. भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि किसी भी पक्ष का साथ लें इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में. बट रशिया को टेस्ट इट्स रिजॉल्व, लेकिन रूस जो है अपना जो वचनबद्धता है, रिजॉल्व है, उसको ये टेस्ट कर सकता है. यानी भारत के प्रति जो रूस का रिजोल्यूशन रहा है उसको टेस्ट कर सकता है कि भारत इसके खिलाफ जाता या नहीं जाता. एट अ स्नैप वर्चुअल मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड, देशों के बीच में जिसमें कौन कौन देश है, इंडिया है, द US है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है. लीडर्स डिस्कस द क्राइसिस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अलोंग विद मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डायलॉग इंक्लूडिंग टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक. जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहली बात, ये चार देशों के जो नेता हैं उन्होंने रूस और जो यूक्रेन के बीच में जो इन्वेजन है, आक्रमण है, उस क्राइसिस के बारे में बात की. साथ ही कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी डिस्कस किया गया जिसमें शामिल था टेरिटोरियल यानी जो आपका क्षेत्रीय, और मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री सिक्योरिटी का मामला था. तो इस वार्तालाप में पहले तो रूस और यूक्रेन के बारे में बातचीत की गई, साथ ही जो ट्रेडिशनल बातचीत है जो जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट की जो बात है वो है कि हम लोग कैसे क्षेत्रीय और समुद्री सिक्योरिटी को इंडो पैसिफिक रीजन में सुनिश्चित कर सकते हैं. इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, और बातचीत के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया. After the summit, the four nations reaffirmed their commitment to a free and open Indo-Pacific. और जब बातचीत के बाद जो joint statement में आया उसमें जो चार देश हैं उन्होंने फिर से reaffirm किया है. affirm करना का मतलब होता है किसी बात पर जोर दिया है या फिर आश्वासन दिया है कि उनकी जो commitment है free and open Indo-Pacific का वो जारी रहेगा. यानी हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी व्यापार करेंगे, हम लोग जो भी इस इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं उसको हम लोग सारी जो पहले से व्यवस्था कर रहे थे वो सारे करेंगे.
इसी में क्या हुआ, इन विच द सोवरिटी, सोवरिटी का मतलब होता है संप्रभुता, एंड टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय इंटीग्रिटी मतलब एक क्षेत्रीय एकता, ऑफ ऑल स्टेट्स इज रिस्पेक्टेड एंड कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मिलिट्री इकोनॉमिक एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल कोअर्शन। और ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी कहा गया कि हम लोग एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे, आपकी इंटीग्रिटी एकता की रक्षा करेंगे, और साथ ही हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो किसी प्रकार का पॉलिटिकल कोअर्शन राजनीतिक दबाव नहीं बनाएंगे जो कि मिलिट्री या इकोनॉमिक हो। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक पॉलिटिकल दबाव न बनाने की बात कही गई है। द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग वॉज इन पार्ट लाइकली मोटिवेटेड बाय द कंसर्न ऑफ द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान दैट इंडिया इज नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेमिंग रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए, एक क्वाड सम्मेलन में सबसे जो मीटिंग हुई उसमें सबसे बड़ी चिंता यही थी। तो मीटिंग की सबसे बड़ी जो चिंता थी वो ये थी कि जैसे US है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, कि भारत इज नॉट एक्सप्लिसिटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन को कंडेम नहीं कर रहा है। यानी भारत के प्रति उनकी जो चिंता थी मीटिंग में वो यही थी कि भारत जो है स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है, और रूस के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन के जो डिसीजन है टू लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव अक्रॉस द रूस यूक्रेन बॉर्डर एंड बॉम्ब यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूस के राष्ट्रपति के द्वारा यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर पे जो बॉम्बिंग हो रही है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह किया जा रहा है, उसकी भर्त्सना या बुराई या फिर निंदा नहीं की जा रही है। ए जो माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज एज द अदर क्वाड मेंबर्स वीज अ वीज दिस कॉन्फ्लिक्ट। और भारत जो है हो सकता है कि उस रास्ते पर नहीं है, उस तरीके से नहीं सोच रहा है जैसा कि और भी जो क्वाड मेंबर्स हैं जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US सोच रहे हैं। वीज अ वी का मतलब होता है फेस टू फेस, यानी जो ये फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट में भारत सामने से नहीं आ रहा है जैसा कि और जो देश हैं इसमें शामिल वो आ रहे हैं। दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशियाज एग्रेशन, बाकी जो तीन देश है US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तीनों रूस की बुराई कर रहा है, और न ही केवल कंडेम निंदा किया है रूस के एग्रेशन यानी आक्रमण को, बट हैव ऑल्सो स्लैब्ड क्रेमलिन एलिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लिंक्स टू देम विथ क्रिपलिंग सैंक्शंस। और साथ ही जो मॉस्को के जो एलिट्स हैं, एलिट्स का मतलब जो अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभिजात वर्ग के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन देशों के साथ, उस पर सैंक्शन लगा दिया है। तो न केवल बुराई किया है US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, बल्कि उसके जो बड़े बड़े संस्थान थे उनके देशों में उस पर भी क्या कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया। इंडिया कॉन्ट्ररली, भारत इन सब के विपरीत, हैज एब्सेंट फ्रॉम 3 UN रिजोल्यूशंस कंडेमिंग रसिया। और भारत अपने आप को तटस्थ रखा है, एब्सेंट रखा है US रिजोल्यूशन से जो पारित होने की बात हो रही थी निंदा प्रस्ताव, उस निंदा प्रस्ताव में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा है भारत। देर इज ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिफरेंस ऑन द रशिया यूक्रेन इशू इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीड आउट्स ऑफ द क्वाड मेंबर्स। अब एक और डिफरेंस देखने को मिला है रूस और यूक्रेन के इशू के मामले में, जब इंडिविजुअल अब सारे लोग अपना जब बयान दे रहे थे चारों देशों के जो प्रमुख थे, उसमें से एक चीज़ और देखने को मिला कि जो अंतर है, और अंतर क्या है, वाइल द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल्ड आउट रशियाज अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली फोर्स चेंजेस टू द स्टेटस क्वो इन द यूक्रेन एंड वुड नॉट टू लेट सच एक्शंस अकर एनीवेयर इन द इंडो पैसिफिक। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, US और जापान के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा, डायरेक्टली रूस के को चैलेंज करते हुए कहा, डायरेक्टली रूस को ये बताते हुए कहा कि रूस के जो अटेम्प्ट है वो एक तरफा है, और
यूक्रेन का जो स्टेटस क्वा है, स्टेटस क्वा का मतलब होता है यथा स्थिति को जो चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने कसम खाया है वोड नॉट टू लेट सच एक्शंस अकर, ऐसे एक्शन को होने नहीं देंगे एनी वेयर इन द इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक के कोई भी एरिया हो वहाँ पे वो होने नहीं देंगे। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बुराई करते हुए धमकी भी दी है कि ऐसा होने नहीं देंगे। अब इंडिया अपने रीड आउट का मतलब क्या होता है, जो पढ़ते हैं ना देख करके उसको, उसमें क्या कहा इंडिया का जो बयान आया, वनली रेफर्ड यूक्रेन इन पासिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म फॉर द काउस, और केवल यूक्रेन के बारे में को ये करते हुए सिंपैथी शो करते हुए बोला कि एक तरह का एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी जो मानव को असिस्ट करने वाला एक डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म का गठन होना चाहिए, ये कह करके निकल गया। रसाज एक्शन हैज ऑब्वियसली पोस्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, रूस का जो एक्शन है स्पष्ट रूप से एक 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 बहुत ही जटिल सवाल खड़ा कर दिया है फॉर इंडियाज स्ट्रेटजिक कैलकुलस, भारत का क्या इसमें स्ट्रेटजी है उसको लेकर के रूस ने एक बहुत बड़ा जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है। इवन एज न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू बी गाइडेड बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पैराडाइज, और यहाँ तक कि जो न्यू दिल्ली यानी जो केंद्र सरकार है, भारत की जो सरकार है, अभी भी 21st सेंचुरी में भी एक नॉन अलाइनमेंट पैराडाइज के द्वारा गाइडेड है, यानी अभी भी ये गुट निरपेक्ष अपने आप को बनाए रखना चाहता है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष, एंड बाय इट्स नीड टू रिमेन क्लोज टू मॉस्को, और इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है मॉस्को से जुड़े हुए रहना, अ मेजर डिफेंस सप्लायर, क्योंकि हमारा जो रूस है वो बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है। साउथ ब्लॉक का मतलब होता है MEA का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड एट प्लेइंग हार्ड बॉल विद द मैंडरिंस एट द US, और साउथ ब्लॉक है जो बहुत निपुण है अपना व्यवहार रखने में किसके साथ, US के जो दिग्गज हैं उनके साथ। यानी अब भारत के साथ रूस के साथ भी रहना है, अमेरिका के साथ भी रहना है, और ऐसे केस में भारत के लिए टफ है। अ स्टेट डिपार्टमेंट ओवर गेटिंग अ CAATSA का मतलब क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश ने रूस के साथ 5.43 बिलियन का डॉलर का एक बहुत बड़ा मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया है, जिसके बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है, अब भारत को धमकी दे रहा है कि उसके ऊपर CAATSA एक्ट के तहत क्या करेगा, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है कि US स्टेट डिपार्टमेंट ओवर गेटिंग अ CAATSA वेवर फॉर इंडिया परचेज ऑफ $5.43 बिलियन वर्थ ऑफ द रशियन ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। यानी ये सौदा करने के बावजूद भी भारत के ऊपर ये सैंक्शन नहीं लगाया गया है, यानी वेव कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा चीज़ है भारत की उपलब्धि है। वाइल द डिस्कशंस ऑन द यूक्रेन क्राइसिस विल कंटिन्यू एट द क्वाड एंड अक्रॉस अदर ब्लू लैटरल प्लेटफॉर्म्स, हालांकि जो यूक्रेन को लेकर के यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जो क्वाड में बातचीत जारी रहेगी, और साथ ही ऐसे कई संगठन हैं जो कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, यानी प्लू लैटरल का मतलब जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इन सब चीज़ों के बारे में इंडिया बातचीत चलती रहेगी। इंडिया एंड द US वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, भारत और US जो है हमेशा काम करता है कि पूरे विश्व में एक अच्छा तरीके से रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो। द आइडिया दैट नैटो कंटिन्यू कंट्रीज आर और इवन रशिया कैन फोर्स सॉवरेन नेशंस विद अ प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू पिक अ साइड इन अ कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट इन क्वाइट पैसे एंड इमिनेंटली अनअवॉइडेबल इन टूडेज इंडिपेंडेंस ग्लोबल एरिना। करा कि कुछ नैटो कंट्रीज हैं और रूस जो है हमारा जो सॉवरेन राइट रहा है कि अपने आप को गुट निरपेक्ष रखें,
वो हम लोग को कंपेल कर सकता है या कह सकता है कि आप भी किसी का पक्ष ले लीजिए इस स्थिति में। तो क्वाड फॉर एग्जांपल कैन नॉट अफोर्ड टू एलिनेट इंडिया। अब क्वाड जो है एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को एलिनेट नहीं कर सकता है, यानी हम लोग को बाहर नहीं निकाल सकता है। अ क्रिटिकल पार्टनर इन द ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्लान, क्योंकि भारत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्टनर है ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्लान में, यानी वैश्विक स्तर पे जो स्ट्रेटजी बनाने में और उसको बैलेंस करने में भारत का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो चाइना, अगर भारत को दबाने का प्रयास करेगा तो चाइना उभर जाएगा और चाइना का एक दबदबा पोटेंशियल हो जाएगा, एशियन हेजमोन हो जाएगा। वो एशियन हेजमोन कहने का मतलब एशिया का सबसे बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका आधिपत्य और साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। एट इंडिया में फाइंड इट्स रिजॉल्व एंड पेशेंस विथ रशिया टेस्टेड टू रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्स बिगिन कमिटिंग वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन। फिर भी इंडिया में फाइंड इट्स रिजॉल्व, भारत थोड़ा सा रिजॉल्व दिखा सकता है। रिजॉल्व का मतलब होता है अपना ये होता है कि कमिटमेंट, एंड पेशेंस दिखा सकता है विथ रशिया रूस के साथ। टेस्टेड शुड रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्स बिगिन कमिटिंग वार क्राइम्स, और टेस्ट इस बात की होगी कि जो रूस की जो सेना है वो वार क्राइम्स ना कर ले, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना करें, जो कि जिनेवा में एक कॉन्वेंशन हुआ था उसमें उसका उल्लंघन ना करें। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर एप्लीकेबल ग्लोबल ट्रीटीज़, और जो युद्ध होता है उसमें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यानी जो मानवाधिकार है, उन सब चीज़ों को ये जो ग्लोबल ट्रीटीज़ है उसको माने, यानी एक हम लोग इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ऐसे टॉपिक हम लोगों ने कई बार पढ़े, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। इसमें बेसिकली बात की गई कि भारत जो है, भारत का रुख क्या है इसको लेकर के, इसको लेकर के क्वाड सम्मेलन हुई थी, और इसमें भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि अभी भी वो क्या रहेगा, नॉन अलाइंट रहेगा, यानी गुट निरपेक्ष रहेगा, और जब परिस्थिति और थोड़ा सा बदलेगी तो हो सकता है कि भारत को मजबूर किया जाए या भारत कंपेल्ड हो जाए, क्योंकि अब 21st सेंचुरी है जहाँ पर भारत को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।